नमस्कार दर्शक मित्रों, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। एमटीएनएल केबल चोरी करने वाले सात आरोपियों को वेस्ट पुलिस ने धर दबोचा। वेस्ट जिले की राजौरी गार्डन पुलिस ने सुभाष नगर इलाके से लाखों कीमत की एमटीएनएल केबल चोरी करने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के नाम निहाल, मोहम्मद इसराइल, फाजिल, अब्दुल बारिक, मोहम्मद शाहिद, फिरदौस और रंजीत बताए गए हैं। सभी गाजियाबाद, दिल्ली के खजूरी, मटियाला, सरोजिनी नगर, द्वारका और राणा जी एन्क्लेव के रहने वाले हैं। वेस्ट डीसीपी विचित्र वीर के अनुसार सुभाष नगर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल के पास से 31 मार्च को एमटीएनएल की केबल चुराई गई थी। चोरी की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है। इसको लेकर पुलिस ने इलाके में लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपियों की पहचान की। डीसीपी वेस्ट विचित्र वीर ने बताया कि इनके पास से 300 फीट एमटीएनएल केबल बरामद किया गया है। चोरी की वारदात में इस्तेमाल चैंपियन टेम्पो और एक गाड़ी को भी जब्त किया है। यह वारदात 31 मार्च को सुभाष नगर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल के पास हुई थी। केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। इसके बाद एक एक कर सभी लोग गिरफ्तार किए गए। बता दें कि इससे पहले स्वरूप नगर थाना पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी वाहन चोरी कर उनके पार्ट्स को अलग अलग इलाकों में बेचते थे। पुलिस ने इसके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद की थी। इन चोरों की पहचान चेतन और अरविंद जैन के रूप में बताई गई थी। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इनके अन्य साथियों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि ये वाहनों की चोरी कर उनके पार्ट्स को अलग अलग इलाकों में जाकर बेचते थे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।